सब्सक्राइब कीजिए रेयर फैक्ट्स चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए कुछ मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए। किसी भी देश की सुरक्षा एजेंसी उसकी बड़ी ताकत होती है। वह अपने देश की सुरक्षा की खातिर कुछ भी करने को तैयार रहती है ताकि दुश्मन को उसके नापाक मंसूबों का मुंहतोड़ जवाब दे सके। इसी कड़ी में रूस के पास अपनी खास खुफिया एजेंसी है जिसे GRU यानी गरु कहा जाता है। यह रूस की अन्य एजेंसियों से इत्र दूसरे देशों पर अपनी बारीक नज़र रखती है। तो आइए जरा नज़दीक से जानने की कोशिश करते हैं इससे जुड़े कुछ मजबूत और महत्वपूर्ण पहलुओं को। तो इसका गठन सेना की मजबूती के लिए हुआ था। रूस जमाने से ही अपनी सेना की मजबूती के लिए काम करता रहा है, फिर चाहे आधुनिक हथियारों की बात रही हो या फिर उसके प्रशिक्षण की। यही कारण है आज की रूस की सेना दुनिया की ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती है। लेकिन कहते हैं ना, जो जिसकी सबसे बड़ी ताकत होती है वह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। रूस इस बात को अच्छे से समझता था, इसलिए सालों पहले उसने अपनी सेना को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए एक अलग संगठन बनाने का मन बनाया। इस संगठन को बनाने का बड़ा कारण यह भी था कि रूस सेना संबंधी किसी भी जानकारी को दूसरे देशों से बचाना चाहता था। 1800 के आसपास इस संगठन का मसौद तैयार करते हुए सेना अध्यक्ष माइकल बर्कले ने सरकार के सामने अपना प्रस्ताव रखा। उनका प्रस्ताव पसंद किया गया और 1810 में एक खास खुफिया एजेंसी का गठन कर दिया। शुरुआती कुछ सालों में इसका कुछ खास उपयोग नहीं दिखा, लेकिन बाद में यह सेना की रीढ़ की हड्डी बनी। धीरे धीरे यह काम में माहिर हुई तो इसे स्पेशल ब्यूरो कहा गया। वक्त के साथ साथ इसके कई नाम रखे गए। 1906 में स्थायी तौर पर इसको मेन इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट का नाम दिया गया, जिसे गरु के नाम से पुकारा जाता है। 1992 में इसे रूस के रक्षा मंत्रालय का अभिन्न अंग बना दिया गया और फिर इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस एजेंसी के लोगों को बहुत सी जिम्मेदारी दी जाती है। कहने को तो यह सेना की जानकारी को सुरक्षित रखती है, पर इसके अलावा भी इसके पास अन्य बहुत काम होते हैं, जैसे राजनीतिक जानकारियों को सुरक्षित रखना, देश के वैज्ञानिक जानकारी को दुश्मन की नज़र से बचा कर रखना इत्यादि। गरु ने सेना में रहकर अपनी एक अलग सेना बना ली है। इस फोर्स को स्पेत्सनाज कहा जाता है। गरु को अभी कभी कभी कुछ मुश्किल हालातों से भी गुजरना पड़ता है। उस समय ये अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, ऐसे में उसे अपनी स्पेशल फोर्स की मदद लेनी पड़ती है। इसे रूस की सबसे पहली स्पेशल फोर्स माना जाता है। सेना से अलग यह पूरी तरह से गरु के कहने पर ही काम करते हैं। गरु से आया एक आदेश सुनते ही ये लोग दौड़ जाते हैं। 2010 में सेना ने इन्हें थोड़े समय के लिए अलग कर दिया था। इस फोर्स को थल सेना के साथ जोड़ दिया गया था। हालांकि यह ज़्यादा दिन तक एक दूसरे के साथ नहीं रहे थे। 2013 में ही दोबारा यह गरु के साथ जोड़ दिए गए। इस फोर्स को दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। वर्तमान में यह स्पेशल फोर्स की तरह ही खुफिया मिशन में अपनी भूमिका अदा करते हैं और गरु का अहम अंग है। कहा जाता है यह किसी भी स्थिति में अपनी जानकारी किसी से साझा नहीं करते। हालात चाहे जो भी हो, यह अपने काम से बिल्कुल पीछे नहीं हटते। यह रूस में सक्रिय अन्य एजेंसियों जैसे KGB के रास्ते में नहीं आते और न ही वह इनके काम में टांग अड़ाती है। सरकार ने इन्हें ऐसा करने की सख्त हिदायत दे रखी है। गरु अपने काम की रिपोर्ट सिर्फ राष्ट्रपति को देती है। गरु अपने जासूस और कर्मचारियों को फौज से चुनता है। अधिकतर लोगों को तो यह सेना की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही अपने साथ जुड़ने का मौका दे देता है। वैसे सुनने में तो यह आसान सा लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि गरु का हिस्सा बनने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। उम्मीदवारों को अपने साथ जोड़ने की जो सबसे पहली चीज़ गरु मांगता है वह है पढ़ाई। उनका मानना है कि पढ़ने वाले व्यक्तियों में सीखने की क्षमता तेज होती है, इसलिए उन्हें पहला मौका दिया जाता है। चुनाव की प्रक्रिया के बाद चयनित लोगों को कड़ी ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। कहते हैं यह समय इतना कठिन होता है कि बहुत कम लोग आगे जा पाते हैं। जिस समय इनकी ट्रेनिंग चल रही होती है उसी समय गरु के लोग किसी और काम में भी लगे होते हैं। वह लोग इन उम्मीदवारों की छानबीन करते हैं। वह समय
पर यह पता लगाते हैं कि इन्होंने जो भी जानकारियां दी है वह सच है या नहीं। आखिरी पड़ाव में सभी कैंडिडेट्स को दूसरे देशों की भाषा सिखाई जाती है। रूस में अपने देश की भाषा को छोड़कर कोई और भाषा कम ही बोली जाती है, इसलिए काफ़ी सारे उम्मीदवारों के लिए नई भाषा सीखना भी मुश्किल होता है। विदेश जाने से महीने भर पहले इनका एक बार और टेस्ट होता है। उस टेस्ट में अगर इनमें थोड़ी सी भी कमी दिखाई पड़ती है तो इन्हें बाहर कर दिया जाता है। यह दुनिया के शक्तिशाली देश रूस की खुफिया एजेंसी से जुड़े कुछ पहलू भर है। ऐसी ढेर सारी चीज़ें और भी हो सकती है जो इस एजेंसी को दुनिया की बेहतर एजेंसियों की सूची में खड़ा करती है। भारत की रो की तरह यह एजेंसी भी तमाम गुप्त अभियानों को अंजाम दे चुकी है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आज हमने रूस की खुफिया एजेंसी ग्रू के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।